Assalamualaikum students, my name is Sir Masam, computer science teacher in Science Lyceum School from Science Lyceum YouTube channel. जी, तो last time हमने हमारा first का topic खत्म हुआ, तो हम अगला topic अपना start करेंगे, जिसमें आ जाता है memory. So memory क्या करती है? Memory is used to store data. जहाँ पे आपका जितना भी data जो है, वो जाके जहाँ पे भी store होता है, memory जो है, वो क्या करती है? Memory जो डाटा आपका स्टोर होता है मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा जितना भी डाटा आपका जाके सेव होता है वो सारा मेमोरी के अंदर होता है ठीक है अब मेमोरी के आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी अभी हम इनको दोनों को डिस्कस करेंगे सो मेमोरी जो है आपका डाटा स्टोर करती है ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी को सो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपके सिस्टम की अपनी मेमोरी होती है ठीक है जो कंप्यूटर के अंदर रैम रोम ठीक है कैशे मेमोरी ये सारी जो लगी होती हैं ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरीज होती है अब होता क्या है कि ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्परेरी स्टोर करती है बेसिकली आप सिस्टम में देखेंगे तो आपने ड्राइव्स बनाई होती है डिफरेंट सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव ज्यादातर क्या होता है कि आपकी विंडो जो है वो सी ड्राइव पर पड़ी होती है अब जब हम विंडो करने लगते हैं तो हमारे सामने एक दो तीन ड्राइव्स आ जाती हैं हमें बेसिकली क्या करनी होती है विंडो जो है अपनी सी ड्राइव के अंदर करनी होती है तो उसके आगे लिखा आ जाता है कि ये प्राइमरी मेमोरी है ठीक तो हम उसको डिलीट कर देते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई और डाटा जो है वो लॉस ना हो इसलिए हम सी में अपना डाटा नहीं रखते डी या ई ड्राइव के अंदर अपना डाटा रखते हैं ठीक है तो टेम्पररी डाटा को क्या करती है स्टोर करती है ये व्हेन द कंप्यूटर जब जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ होता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम वोलेटाइल भी बोलते हैं ठीक है इसको हम प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल क्यों वोलेटाइल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर होते हैं टेम्परेरी डाटा स्टोर का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका डाटा इसके अंदर स्टोर होता है जैसे ही आपका सिस्टम जो है वो ऑफ होता है इसका डाटा जो है वो लॉस होता है ठीक है व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ जैसे ही आप इसका डाटा टर्न ऑफ होता है तो डाटा क्या होता है लॉस हो जाता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इनके अंदर फॉर एग्जांपल है क्या आ जाती है एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं रैम ठीक है रोम रजिस्टर्स आ जाते हैं क्योंकि रजिस्टर्स भी मैंने आपको बताया था टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं और आपके पास क्या चीज आ जाती है कैशे मेमोरी आ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं ठीक है अब हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी को भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा अटेंशन के साथ पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी जी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती जितनी आप एक्सटर्नल मेमोरीज लगाते हैं फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं आप अपने यूएसबी लगाते हैं अपने फ्लैश ड्राइव लगाते हैं वो सारी जो है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर इसका मेन पॉइंट जो है इसके अंदर क्या होता है परमानेंटली डाटा स्टोर होता है ठीक हो गया इसके अंदर क्या होता है डाटा परमानेंटली स्टोर होता है और इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी ठीक है क्यों नॉन वोलेटाइल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जब भी सिस्टम
ऑफ होता है, बेशक यूएसबी के अंदर 2 साल 10 साल 15 साल डाटा पड़ा रहे तो उसके अंदर लॉस नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर बेहतर कंप्यूटर सिस्टम ऑफ is switched off, data is not lost. ठीक है, तो इसके अंदर सेकेंड मेमोरी के अंदर क्या होता है, आपको इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर डाटा जितना भी गया है वो आपका लॉस नहीं होता। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसकी, हमें पता चल जाए क्योंकि एग्जांपल्स के बगैर समझ नहीं आती। आपकी यूएसबी आ जाती है, आपका मेमोरी कार्ड आ जाता है, और क्या चीज आ जाती है, आपकी यूएसबी आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल जो आप लगा लेते हैं वो आ जाती है आपके पास, ठीक। ये एग्जांपल्स है, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।